नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अहम खबर दे रहे हैं आपको। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में गाड़ी में धमाके की इत्तला मिली है। धमाके से 3 अहलकार जख्मी, पुलिस और इमदादी टीमें पहुंच गई हैं। धमाके की नौयत इस वक्त मालूम की जा रही है। आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में गाड़ी में धमाका हुआ है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10, ये जो मशकूक टैक्सी थी, इसमें जो मुख्तलिफ इत्तला मौसूल हो रही है, एक पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि इस टैक्सी में एक ये दहशतगर्दी के वाकयात अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं। किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी, हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में? और पाकिस्तान, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये अफगानिस्तान था जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पिछले 40-50 साल से जो वो प्रॉप अप करना चाह रही थी। खातून भी सवार थी, उसके साथ एक और शख्स था और एक टैक्सी ड्राइवर था। ये जो जिसने अपने आप को धमाके से उड़ाया है, ये बताया जा रहा है कि ये टैक्सी ड्राइवर था, जबकि जो दीगर जो खातून थी और जो एक और अहलकार उस टैक्सी में सवार थे, वो भी हलाक हो चुके हैं। उनकी भी डेड बॉडीज़ इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल की गई है। अगर हम बात करते हैं मशकूक, तो जब कोई गाड़ी शाहराह पे चलती है, क्योंकि अगर मेरा कैमरामैन आपको उमैर दोबारा दिखा सके, तो ये वो सर्विस रोड है। इस सर्विस रोड के वो वहाँ पे आपको रेस्क्यू की गाड़ी नज़र आ रही होगी, फायर ब्रिगेड की। उस मकाम के ऊपर ये जो है धमाका हुआ है। यहाँ पे उस एहलकार ने, उस बहादुर जो हेड कांस्टेबल है, उसने इस गाड़ी को रोका और जब वहाँ पे दरवाजे के ऊपर गया उनको चेक करने के लिए, तो उसने अचानक वहाँ पे एक बटन दबाया जिससे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जो हेड कांस्टेबल था उसकी मौके पर शहादत होगी। जो दहशतगर्द बैठा हुआ था, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक दहशतगर्द का सर मिल चुका है, उसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से भी मिल चुके हैं, उनको पिम्स मुंतकिल किया गया है। जो गाड़ी में एक खातून और एक और दहशतगर्द के बैठने की जो इत्तला थी, उस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है कि क्या इस खुदकश बम्बार में, इस खुदकश हमले में वो खातून और वो जो दूसरा दहशतगर्द था वो भी हलाक हुआ है या सिर्फ एक हलाक हुआ है। क्योंकि जो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने यहाँ पे जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग इकट्ठी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा सेक्टर I-10 का जो मरकज़ है, वहाँ पे इस मशकूक गाड़ी को रोका गया था, लेकिन ये गाड़ी रुकी। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि चूंकि आज जुम्मा था, जुम्मतुल मुबारक था, और आज बड़े बड़े इत्तमात होते हैं मसाजिद में, तो हो सकता है कि ये जो खुदकश हमला आवर है, ये किसी बड़े मकाम के ऊपर, बड़े इत्तमा के ऊपर वहाँ पर निशाना बनाना चाहता था। लेकिन देखें, पहली तो बात यह है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि नज़रियाती तौर पे तालिबान को क्या हम सही तरह से समझ सके। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये जो है अंडरस्टैंडिंग हमेशा से थी कि नज़रियाती तौर पे अगर आप देखें तो देवबंदी और जो पश्तून कल्चर का जो मिक्सचर है, अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो तालिबान हैं, वो स्कूल ऑफ थाट है, ठीक है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, आप समझें कि जो पिछले साल तक ख़ास तौर पर जब तक इंटरनेशनल ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ किए, पाकिस्तान की पॉलिसी तो कम्प्लीटली फोकस थी हमारे अपना नेशनल इंटरेस्ट, हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। आपको पता होगा भारत का वहाँ पे इन्फ्लुएंस पिछले 20 साल में काफ़ी भरा। भारत ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, उनकी अफगान पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी कंस्ट्रक्ट किया कम्प्लीटली, उसमें इंडिया की फंडिंग थी। तो पाकिस्तान का तो बड़ा इसमें देखें नैरो विजन थी, पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। जो भी हमारी अप्रोच थी, पॉलिसी नहीं थी, हमारी थी अप्रोच, ठीक है। अब दुनिया को हैरान नहीं होना चाहिए, जब से तालिबान आए हैं, जो पहले भी उनकी हुकूमत थी 1996 से लेके 2001 तक, वो पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया। अब अगर वो दोबारा कर रहे हैं तो हमें पिछले एक साल में नजर आ गया था कि पहले शुरू में उन्होंने तो जो लड़कियों की एजुकेशन पे उन्होंने स्कूल्स बंद रखे और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते रहे कि जब हालात बेहतर होंगे तो हम ओपन कर देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने खास तौर पे वो एक सेग्रीगेशन बीच में पर्दे लगा दिए थे, लड़कियां एक तरफ बैठती थी और लड़के दूसरी तरफ बैठते थे। काबुल यूनिवर्सिटी की भी पिक्चर्स आपने इस पे देखी होंगी, तो इसमें हैरानगी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मैंने आपको कहा ना कि देवबंदी, क्योंकि ये देवबंदी मदरसाज के पढ़े हुए हैं, जब अफगान सोवियत जो जंग थी उसके दौरान जितने भी मुजाहिदीन जो बाद में तालिबान बने और जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये पश्तून कल्चर और देवबंदी, वो जो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो एक माइंडसेट है, ये वो है।
लेकिन अभी इसमें देखें दे उनके यहाँ ये भी दिलचस्पी थी कि वो एक खेल खेलें, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उनके साथ कोई ज्यादा एंगेजमेंट नहीं की। रीजनल एक्टर्स में पाकिस्तान ने की, चाइना ने की, रशिया ने की, लेकिन आप ओवरऑल अगर वेस्ट ने देखें तो वेस्ट ने कोई एंगेजमेंट, कोई खास एंगेजमेंट उनके साथ नहीं रखी, जो कि जो कोई लीवरेज हो सकता था, कोई एड का कोई प्रेशर हो सकता था उन पे, वो भी नहीं रखा और ना ही उन्हें रिकग्नाइज किया। तो इस सिचुएशन में जैसे कहते हैं कि तालिबान दे हैव नथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन, ठीक है, दे हैव मे बी मोर टू गेन इन टर्म्स ऑफ देयर डोमेस्टिक डायनेमिक्स, ठीक है, कि वो क्योंकि जैसी सोसाइटी है, उसका कल्चर है, हो सकता है कि इस किस्म के डिसीजन को फिर भी सपोर्ट मिले जो सोसाइटी के अंदर से, जो कि पश्तून कल्चर के हद तक। और दूसरा आपने सवाल किया कि अक्रॉस द बॉर्डर हमारे यहाँ भी पश्तून पॉपुलेशन है, उस पर इसका एक इनडायरेक्ट इम्पेक्ट कैसा हो सकता है, तो मैं तो उसका नहीं देखता कि उसका कोई खास हमारी तरफ कोई इम्पेक्ट आएगा, क्योंकि हमारी तरफ माइंड सेट डिफरेंट है हमारी। जी आप ये बात जो है वो इस अंदाज से करने की बजाय आप इस तरह से करें कि दहशत गर्दी के इस बहुत बड़े मनसूबे को, जो कि एक पूरी गाड़ी जो है वो असले से भर के इस्लामाबाद में दाखिल हो रही थी और उसका टारगेट जो है वो कोई ना कोई जो है वो हाई वैल्यू टारगेट होता होना था, तो हमारी इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने उन्होंने उसको रोका, उसमें एक शहादत भी हुई है, 6 लोग जख्मी हुए हैं, तो उन्होंने फर्ज शनासी का एक आला मुजाहरा करते हुए जो है वो इस बहुत बड़े हादसे को जो है वो रोकने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी हौसला अफजा बात है पूरी कौम का, वो शहीद को भी और उन जख्मियों को जो है वो सलाम पेश करते हैं। बन्नों में जो जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और जख्मी हुए और उन्होंने वहाँ पे दहशत गर्दों को जो है वो अंजाम तक बचाया, उनको भी पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करती है। तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से जो है वो कम्पिटेंट है, ये वो पूरी तरह से जो है वो सूरत हाल के उनके कंट्रोल में है और ये कोई ऐसी फिक्रमंदी वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ऐसे मौके के ऊपर पूरी कौम को जो है वो मुतहद होना चाहिए बिल्कुल, और उन लोगों को भी होश से नाखून लेने चाहिए जो अपनी जाति अनाज जाती इकतदार की हवस के लिए जो है हर वक्त मुल्क को डिस्टेबल करने, मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जो है वो हर वक्त जो है वो लगे हुए हैं और उनको इसके अलावा जो है वो कोई चीज़ नहीं आ रही। राणा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि वाकई काबिल तहसीन इकदाम है ये, जिस तरह से इस वाक़े को रोका गया है, और मज़ीद भी नुकसान हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये इत्तला भी आ रही है कि और भी ऐसे गिरोह, ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो अब आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आप लोगों की गवर्नमेंट है, किस तरह से आप किस तरह के इकदाम उठाएंगे और किस तरह से दहशतगर्दी की रोकथाम को यकीनी बनाएंगे? ये इसी तरह के इकदाम जो है वो उठाए हैं, जिस तरह का जो कदम आज उठाया गया है या बन्नों में, जिस तरह से जो है वो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोगों ने जो है वो अपनी जान का नजराना दे के जो है वो दहशतगर्दों का खात्मा किया है, इसी तरह के इकदाम जो है वो इंशाअल्लाह ताला हर जगह पे उठाए जाएंगे और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से जो है वो सूरत हाल के ऊपर नजर रखे हुए हैं। बात सिर्फ ये है कि कौम को भी जो है वो अपने जवानों अपनी मुसल्ला फौज की बैक से मुतहद होकर जो है वो खड़ा होना चाहिए, केपीके की गवर्नमेंट को भी, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल ज्यादा थोड़ा खराब नजर आ रही है, उसे भी चाहिए कि वो इधर लाहौर पार्क जमा में बैठ के गवर्नर हाउस का घिराव करने की बजाय और असम्बलियाँ तोड़ने के लिए जो है वो तमाशा करने की बजाय जो है वो भी इधर आके बैठे और बैठ के जो है इन दहशतगर्दों से लड़े, मुल्क को पहले महफूज करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में TTP और तालिबान फैल चुका है। TTP का एक इस्लामाबाद में सुसाइड हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का एक जवान मारा गया और 3 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार एक टैक्सी में भारी गोला बारूद के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा था TTP के लोग,
जैसे ही पुलिस ने रोका उन्होंने बटन दबाकर सुसाइड हमला कर दिया, जिसमें एक पाकिस्तानी जवान की मौत हो गई और 3 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। अब TTP पाकिस्तान में पूरे में फैल चुकी है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही TTP ने पाकिस्तान के KP के राज्य में CTD पर हमला किया था, वहाँ पर भी पाकिस्तान के कई जवान मारे गए थे। अब इस्लामाबाद में भी दाखिल हो गई है। जिस तरह से पाकिस्तान तालिबान को समर्थन करता आ रहा था, आज पाकिस्तान को भाई तालिबान तिगनी का नाच नचा रहा है। पाकिस्तानियों को अब समझ में आने लगी है कि तालिबान अब हमारे पीछे पड़ चुका है, क्योंकि ये लोग मजहब के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। तालिबान जिस तरह से अपने मुल्क में लोगों को, औरतों को स्कूल में नहीं जाने देता, वैसे ही सारा कानून पाकिस्तान के कई शहरों में भी लागू करना चाहता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।